सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 27 सितंबर को संत विंसेंट दी पॉल का पर्व मनाती है। वे अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। फ्रांसिस्कन संस्था में अपनी पढ़ाई पूरी करके वे पुरोहित बने। 1619 ईस्वी में राजा लुईस 13वें ने उन्हें जनरल आमोनर बनाया, जहां वे बहुत से कैदियों को सुधारने के योग्य बने और कई कैदियों ने अपने जीवन को प्रभु को सौंपा। उन्होंने कई अस्पताल भी बनवाए। उन्हें आत्मा और शरीर दोनों रूप से प्रभु का कार्य करते देखकर बहुत से लोगों का जीवन बदल गया था। 1625 ईस्वी में उन्होंने 12 नवयुवतियों के साथ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की, जो लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करती थीं। संत विंसेंट और उनके साथियों ने मिलकर प्रभु का सुसमाचार जन जन तक फैलाने का कार्य किया। प्रभु की वाणी को फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बहुत सी औरतों को सामाजिक चेतना के प्रति प्रोत्साहित किया और उनके लिए लेडीज ऑफ चैरिटी का आयोजन भी किया। पेरिस में अस्पताल खोलने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जहां बहुत से निराश्रितों को पनाह और रोजगार मिला। उन्होंने अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम और कोढ़ियों के संरक्षण के लिए भी एक संस्थान खोला। जब 30,000 ख्रिस्तियों को अल्जीरियस और बिजर्टा में कैद कर लिया गया, तब भी संत विंसेंट ने उनकी बहुत तरीकों से मदद की थी। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1660 ईस्वी में हुई और 16 जून 1737 में संत पिता क्लेमेंट द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया और संत पिता लियो 13वें ने उन्हें उन सभी समाजों का जो दान के कार्य करते हैं उनका संरक्षक संत घोषित किया। आइए आज हम भी इस महान संत के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी संत क्लेमेंट जैसा नम्र हृदय दे, ताकि हम भी दूसरों के हित की भी चिंता कर सकें।